हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे जब बात करें तो वोडाफोन आइडिया की, तो जो 2 तारीख तक का जो समय है अभी वोडाफोन आइडिया की, हालांकि आज 30 तारीख है, आज संडे है, तो 2 तारीख तक के जो अभी दिन है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दिन दोस्तों दिन, क्योंकि जिस चीज़ की लोग काफ़ी देरी से इंतज़ार कर रहे थे, जिस डिसीजन की काफ़ी लोगों को यहाँ भी इंतज़ार है, वो डिसीजन ऐसा रिपोर्ट निकल करके आ रहा है कि 2 तारीख तक आ जाने वाला है। तो दोस्तों, जो स्ट्रेकर पेमेंट को लेकर इश्यू है उसके ऊपर जो डिसीजन का वेटिंग है सुप्रीम कोर्ट का, वो 2 तारीख से पहले आ जाने की पूरी पूरी संभावना है, ऐसी रिपोर्ट निकल करके आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा रिपोर्ट सुना के बताना चाहूँगा। तो और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैंने जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर सीरीज चालू करी थी, मैंने येस बैंक और वोडाफोन आइडिया के ऊपर डेली बेसिस पे मैं इंट्राडे के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, पर मुझे लगता है कि कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि येस बैंक में तो अच्छा खासा व्यू आ रहा है दोस्तों, अच्छे खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर वोडाफोन आइडिया में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं वोडाफोन आइडिया पे इस वीडियो सीरीज कंटिन्यू रखूँ इंट्राडे के लिए, तो जो दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ वो मैं अभी बंद करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही मेरे लिए सब कुछ है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सीरीज चालू रखूँ या बंद कर दूँ। आखिरी डिसीजन दोस्तों आपका ही होगा, क्योंकि वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, अगर आपका ही रिस्पॉन्स कम हो जाएगा तो फिर मेरे लिए वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। और आप चाहते हैं कि मैं सीरीज कंटिन्यू रखूँ तो भी आप मुझे एक बार कमेंट में यस कर लिख के आप बता सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे और यहाँ पे मुझे फीडबैक दोगे कि ये मैं सीरीज चालू रखूँ, आप इसको पसंद करते हो कि नहीं करते हो, तो इसका मुझे फीडबैक जरूर से जरूर दीजिए। तो अभी अब चले गए एक बार यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, मैंने गूगल पे सर्च करके रखा है, आपको पता ही होगा कि फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग 10 रुपये 10 पैसे पे हुई थी, लगभग 1 रुपया 25 पैसे ऊपर था, 14% की तेजी थी। तो दोस्तों, इसका रीजन मैंने फ्राइडे को जो वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है उसमें मैंने बताया, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल करना चाहूंगा, तो यहाँ पे जो ये वीडियो था इसमें उसमें मैंने इसका सब रीजन बताया कि तेजी क्यों थी। वो तो आपको अगर ये नहीं पता है कि इतनी ज्यादा तेजी क्यों थी तो आप ये वीडियो देख सकते हो दोस्तों। अभी हम बात करेंगे कि अभी मंडे, क्योंकि कल है मंडे, तो मंडे को क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। तो अभी सबसे पहले चलेंगे एनएसई की वेबसाइट पे, और फ्राइडे को कारोबार की क्या डिटेल रही थी वो जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट निकल करके आ रहा है, जो न्यूज निकल करके आ रही है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया सर्च करके रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग, 14% की तेजी थी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 8 रुपये 85 पैसे, ओपन होता है 8 रुपये 95 पैसे के ऊपर, हाई बनाता है 10 रुपये 45 पैसे का, लो बन जाते हैं 8 रुपये 90 पैसे के आसपास, और फाइनली क्लोजिंग 10 रुपये 10 पैसे तक होती है। यहाँ पे कारोबार देखें तो बहुत ही तगड़ा कारोबार, 128 करोड़ 82 लाख शेयर की ट्रेडिंग, 30 करोड़ 84 लाख शेयर की डिलीवरी, और डिलीवरेबल परसेंटेज 24% है। अगर दोस्तों, अगर आप डिलीवरी की रिपोर्ट यहाँ पे देखते हैं तो 31 करोड़ शेयर की डिलीवरी हुई है, तो मार्केट ये पूरा पूरा मान के चल रही है कि जो वोडाफोन आइडिया के जो डिसीजन है उसके फेवर में ही आ सकता है। तो अभी हम चलेंगे वो रिपोर्ट पे, और रिपोर्ट क्या बोल रही है वो जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे के लिए कल हम क्या कर सकते हैं, कौन से लेवल पे बाइंग और सेलिंग बनती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे लेके आया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो द जजमेंट डे लूम्स फॉर वोडाफोन आइडिया। तो दोस्तों, जो जजमेंट डे जिसकी सबको इंतज़ार था काफ़ी समय से, ये चल रहा है केस एजीआर का, तो उसके ऊपर जो डिसीजन की बातें हो रही है वो डिसीजन यहाँ पे बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बेंच हियरिंग ऑन क्रूशल एजीआर केस इज लाइकली टू डिलीवर अ वर्डिक्ट ऑन September 2। तो दोस्तों, मैं 2 सितंबर की इसलिए जिक्र कर रहा था कि 2 सितंबर तक का अभी जो समय है वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ऐसा इसमें ऐसा लिखा है कि 2 तारीख से पहले कभी भी यहाँ पे डिसीजन आ सकता है। तो यहाँ पे हम पूरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो मेन मेन मुद्दे है वो ही मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा, ताकि आपका टाइम थोड़ा कम बिगड़े। द वोडाफोन आइडिया हैज स्टूड हियर फॉर मंथ नाउ, द जजमेंट डे क्वाइट लिटरली इट सेट टू अराइव विद इन अ वीक इफ थिंग्स टू गो एक्सपेक्टेड, द सुप्रीम कोर्ट बेंच हियरिंग अ क्रूशल एजीआर लायबिलिटीज केस विल डिलीवर इट्स वर्डिक्ट बिफोर September 2 व्हेन वन ऑफ द जज
जस्टिस अरुण मिश्रा विल रिटायर। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों निकल करके आ रही है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जो उसके जो सीनियर जजेस अरुण मिश्रा वो रिटायर्ड होने वाले हैं, तो इससे पहले ही यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया की जो डिसीजन है वो आने की पूरी पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे न्यूज भी ऐसा बोल रही है। आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन मार्क लगे हैं कौन कौन के डिसीजन पे ऊपर, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है उसका जो टाइमली पेमेंट मांगा है 15 साल का, क्या वो यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ जो इंसॉल्वेंट कंपनियां हैं उसका जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग का लायबिलिटीज है, क्या वो जियो और भारतीय एयरटेल को चुकाना पड़ेगा वीडियोकॉन और एसएल का, वो भी यहाँ पे बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा जिसमें यह डिसीजन आना है। यहाँ पे आगे बात करें तो दोस्तों, फॉर द वोडाफोन आइडिया प्रॉब्लम इज कैश। तो आपको पता होगा कि वोडाफोन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कैश है। आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा है कि इट दैट डजंट हैव मच, बोथ प्रोमोटर आदित्य बिरला ग्रुप एंड वोडाफोन PLC हैज लॉन्ग अगो रूल आउट एनी चांस ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन। तो जो उसके प्रोमोटर है वो भी अभी ऐसा बोल रहे हैं कि वो इसमें वो अपने बिजनेस में ज़्यादा इन्फ्यूजन केस का नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है कंपनी। तो ये यहाँ पे देखे तो दोस्तों 3450 करोड़ रुपया थे उसके पास एज ए कैश जून 2020 की बात करें यहाँ पे, और उसको जो पे करना है 50,400 करोड़ रुपया पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने आप में बहुत ही बड़ी रकम यहाँ पे करनी है। हालांकि उन्होंने 7,854 करोड़ रुपये कुछ महीनों के लिए पे कर दिए है AGR Dhup के लिए। तो दोस्तों ये भी बात अपने आप में याद रखने वाली है कि जो 3450 करोड़ हालांकि उसके पास कैश पड़ा है, परंतु जो अभी देना है वो 50,000 करोड़ किससे भी ऊपर की रकम उसको पे करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड टू अलाउ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट स्टेगर पेमेंट शेड्यूल स्पेनिंग फॉर 10 to 15 years, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या 10 से 15 साल का समय दे देती है दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए, तो भी उसको एनुअली 5,900 करोड़ रुपये 8% इंटरेस्ट रेट पे करने होंगे। तो दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर 15 साल का समय मिल भी जाता है, 15 साल का मिलता है तो दोस्तों 9,500 करोड़ पे करने होंगे, और 10 साल का मिलता है तो 7,500 करोड़ रुपये पर ईयर उसको अभी भी देने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर 15 साल मिल गया है तो वोडाफोन आइडिया के लिए सब मुसीबत खत्म होगी। आपको पता होगा जैसे मैंने बताया कि 3400 करोड़ रुपये के आसपास की उसके आसपास ही उसके पास कैश है, तो अगर ये समय भी मिल गया तो उससे डबल तो उसको पे करना होगा हर साल। तो और यहाँ पे और एक जो प्रॉब्लम निकल करके आ रही है कि आपको मैंने उसको भी न्यूज़ के माध्यम से बताया, वीडियो के माध्यम से, कि सब्सक्राइबर बेस है वो भी इतना ज़्यादा नहीं बचा है, वो भी अपने आप में ज़्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये सब बातें थी जो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए। तो जो डिसीजन है अगर वोडाफोन आइडिया के फेवर में आता है तो हालांकि वोडाफोन आइडिया को रिलीफ तो अच्छी खासी मिलेगी, पर प्रॉब्लम है जो थोड़ी बहुत आगे भी रहने वाले है। पर दोस्तों ये बात अगर ये बात कंसीडर करें कि वोडाफोन आइडिया ने अगर 15 साल का समय मांगा है तो उसके बाद भी कुछ प्लान होगा, तो हम सब होप करते हैं कि वोडाफोन आइडिया को 15 साल मिल जाए स्टेगर्ड पेमेंट के लिए, तो अपने आप में इस कंपनी थोड़ी बहुत ऊपर आने की कोशिश कर सकती है। अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे, और चार्ट पे लेवल और टारगेट कॉल इंट्राडे के लिए क्या आ सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चार्ट खोल के रखा है जीरोधा में आपके लिए। यहाँ पे मैं एक रेंज, यहाँ पे मैंने लिखा है नो ट्रेडिंग, तो यहाँ पे एक रेंज बताना चाहूँगा जिसके अंदर मैं हर बार बताता हूँ, उसी तरह यहाँ पे आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। नीचे की तरफ 10 रुपये का लेवल और ऊपर की तरफ 10 रुपये 15 पैसे का लेवल, जो कि आपको वहाँ पे कोई भी प्ले नहीं करनी है। वोडाफोन आइडिया को पहले इसके ऊपर या नीचे निकलने देना है, अगर ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से आपको कल इंट्राडे में 10 रुपये 40 पैसे तक के टारगेट आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई थी। तो मेजर चांस यही है कि दोस्तों ये आपको ऊपर की तरफ ही टारगेट देने की कल पूरी पूरी कोशिश करेगा 10 रुपये 40 पैसे तक। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप अपना स्टॉप लॉस 10 रुपये 40 पैसे के आसपास लेके उसके ऊपर भी वेट कर सकते हो, पर पहला प्राइमरी टारगेट आपको 10 रुपये 40 पैसे तक मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था फ्राइडे को जो वीडियो अपलोड किया उसमें कि 10 रुपये का क्रूशियल लेवल आपको इसको अभी होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर ये लेवल टूटता है किसी भी कंडीशन में तो आपको 9 रुपये 85 पैसे और 9 रुपये 70 पैसे तक के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं इंट्राडे में, तो उसके ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। पर दोस्तों अभी हाल फिलहाल में देखें तो मार्केट ऐसा मान के चल रही है कि वोडाफोन आइडिया के फेवर में ही डिसीजन आएगा। अगर डिसीजन उसके फेवर में आता है तो यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है वोडाफोन आइडिया में। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग भी अच्छी खासी हुई थी। यहाँ पे लास्ट डे की बात करें तो यहाँ पे मुझे मेजर चांस लग रहा है कि यहाँ पे
वोडाफोन आइडिया में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पॉसिबिलिटी की, किसी भी बात की कोई गारंटी हालांकि आपको पता होगा कि मार्केट में नहीं होती। तो दोस्तों 15 मिनट में आरएसआई की बात करें तो आरएसआई का लेवल बहुत बढ़िया है, आरएसआई बहुत अच्छा गर्म हो चुका है, 63 का लेवल है आरएसआई का, जो कि अपने आप में स्ट्रेंथ डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो दोस्तों आरएसआई भी बहुत बढ़िया है, 50 के ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ पे संकेत तो काफी ज्यादा पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए। और मुझे लगता है, मैं पर्सनली अपनी भी राय देना चाहूंगा कि मुझे भी वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिविटी ही नजर आती है। तो दोस्तों कल इस लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपनी स्टडी भी कीजिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करिए, और जो मैंने लेवल टारगेट बताए उसके ऊपर क्लोजली उसको सस्टेन होने देना है, उसके बाद ही आपको पोजिशन बनानी है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और मैं एक बार और बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरी टेलीग्राम चैनल जो बिल्कुल फ्री है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं इंट्राडे कॉल्स और स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स अपडेट करता हूँ, साथ ही साथ मार्केट के रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है उसको मैं लाइव मार्केट में वहां पर अपडेट करता हूँ। और जीरो धमे को अकाउंट खोलना चाहता है तो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।